मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है तारीख 10 सितंबर और सुबह के बज गए हैं 8 और मैं नहा कर आ गई हूँ। ये देखिए, मैंने हेयर वॉश किया है और अब मैं जा रही हूँ बाहर। आज महालक्ष्मी है तो जाती हूँ बाहर और जाकर बस सुबह से खाना बनेगा। इसके बाद दिन में आज पूजा की तैयारी करेंगे हम लोग। तो चलिए, अभी तो फिलहाल मैं चलती हूँ बाहर। चलिए। सो गाइस, ये देखिए, मैं ये बाहर का व्यू ली हूँ, कितना बढ़िया लग रहा है, ग्रीन ग्रीन। तो मैंने ये वीडियो लिया है और सुबह के बज गए थे 9:15 और मैं आ गई थी बाहर। और आते ही के साथ मैं जाती हूँ सीधे तुलसी जी में जल चढ़ाने के लिए। तो ये देखिए, मैंने जल वगैरह चढ़ाया। तुलसी जी में जल चढ़ाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में आई तो मैंने सोचा चलो आज बरबट्टी बनाई जाए, तो जल्दी जल्दी मैं बरबट्टी काट लेती हूँ। सो गाइस, आज हमने साबूदाने की खीर बनाई है। मैं, मम्मी और ये तीनों जन व्रत हैं, तो फरार के लिए हमने साबूदाने की खीर बनाई है। खाना वगैरह हो गया है और ये आलू का हलवा है और ये देखिए चिप्स हो गई। ये वाली चिप्स चंदिया से आई थी शादी में। ये देखिए, भगवान का प्रसाद निकाल दिया मम्मी ने। और ये आलू भी भून गया है और बस यहाँ पर दीदी बना रही थी थाली में, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, चंदन वाली पासे की थाली में चंदन लगाकर यहाँ पर इस सुखाने के बाद चंदन ये लक्ष्मी जी बना रही हैं दीदी उसमें। और ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये जो लकड़ी का छीटा होता है, इसे छीटा बोलते हैं, तो ना इसमें शुभ होता है। मम्मी बोली कि छोटा छोटा सा काट कर मोली धागा उसमें बांध दो, तो ऐसे प्लेन रखने में अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए छोटे छोटे पीस में मैंने इसे काट कर और साइड में बांध दिया है। गाइस, ये देखिए, हमारी खाने की प्लेट तैयार हो गई है। फरार की आलू का हलवा, चिप्स और थोड़े से फ्रूट्स रख दिए थे मम्मी ने। सो गाइस, उस टाइम पे मैंने स्टार्टिंग की वीडियो दिखाई थी और अभी ये मैं लक्ष्मी जी बनने के बाद का वीडियो दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, दीदी ने बना लिया है, वो लक्ष्मी जी प्लेट में बनी हुई थी उसको देखकर। और यहाँ पर मैं, मम्मी और दीदी माले, मतलब हमारे यहाँ लक्ष्मी जी की पूजा में फुलैरा बनता है, तो बड़ी बड़ी लर बना लेते हैं हम लोग फुलैरा बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं, मम्मी और दीदी बात भी करते जा रहे थे और साथ में जल्दी जल्दी हम लोग बनाते जा रहे थे माले। देखिए गाइज, हमारा फुलैरा बनकर तैयार हो गया है। दीदी इसे बांध रही हैं जो हमने फूल की लर बनाई थी। वाली साड़ी पहनी है मैंने, ये आप लोग जानते हैं मेरी शादी की टाइम की साड़ी है। एक्चुअली देखिए, बादल गरज रहे हैं, पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, और कैसी लग रही हूँ बताइएगा। ये वाली साड़ी मंडप में अपनी शादी में पहनी थी। चलिए, अब मैं तैयार हो गई हूँ, बाहर जाती हूँ, पूजा होने वाली है। देखिए, मैं ये जोड़े से पूजा कर रहे थे तो मम्मी हम लोग को बताती जा रही थी, पंडित जी भी आए हुए थे, तो हम लोग आचमन कर रहे हैं ये पहले। और ये
हमने थाली रख दी है जो लक्ष्मी जी बनी है, इसी की पूजा होती है। तो मम्मी ने इन्हें मंगलसूत्र पहना दिया है और अब सब लोग हम लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। और मैं एक्चुअली दीदी को बुला रही थी, दीदी आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। और पंडित जी महालक्ष्मी की कथा सुना रहे थे। और जिसके आभूषणों की ध्वनि नगर वासियों को आने लगी, ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नगर नर नारियों ने जय जयकार करना आरंभ कर दिया। सायंकाल के समय ऐरावत हाथी माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया और तब उस नर नारियों ने पुष्प माला अबीर केसर आदि चढ़ाकर उसका स्वागत किया। महाराज धौम पुरोहित द्वारा मोती दामोती रानी मत ब्राह्मण कह कहानी हमसे कहते तुमसे सुनते सुनो सुनो महालक्ष्मी देवी रानी शोला मूर्ति एक कहानी। सो गाइज, ये मम्मी मेरे को सामान दे रही हैं पंडित जी को देने के लिए जो हमने पूजा में चढ़ाया था। एक्चुअली जो खस्ता और पपड़ी वगैरह बनी थी, गुजिया वगैरह, वो देखकर पंडित जी के पैर पड़ रही थी मैं, और मम्मी भी पढ़ती हैं, सब लोग हम लोग पैर पड़ते हैं पंडित। सबने खाना खा लिया। एक्चुअली वाले व्रत में पहले ये और पापा को खाना होता है, इसके बाद हम लोग खाते हैं। तो इन लोग खाकर उठ गए, फिर हम लोग खाए खाना। और ये देखिए जो हम लोग गुजिया पपड़ी बनाए थे, और ये सब कुछ ऐसे प्लेट में लगाकर ये हम बड़े लोग को देते हैं, मतलब अपनी सासों को देती हूँ और जेठानियों को देते हैं। मतलब इसको देंगे साथ में सीता, इसको मतलब ये बाइना लगा के इसमें देंगे। इसको क्यों देते हैं वैसे मम्मी? ये सब माना जाता है, ये चीज और ये सम्मान देने के लिए सब पूरा श्रृंगार का सामान हो। सो गाइस, चलिए ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।